Good morning, students. Welcome in history period. Lesson number 9. Today we have to learn lesson number 9. Last phase of struggle for independence. Right? Yes. Last phase of struggle for independence. Page number 40. Page means stage or form. Okay. Or aspect, you may say. In this chapter, we are going to study the Quit India movement. Quit India movement means Bharat Chodo Andolan. Underground movement, yani Bhumigat Chalwal, and the contribution of Indian National Army. Or Indian National Army ka jo yogdan hai India ke independence struggle mein, uske baare mein hum padhne wale hain. Okay. See, Act of 1935. This act made a provision. Provision means what? Provision means tartud, vyavasthapan, or pravadhan means you may say rule. Okay. This act made a provision for the British govern Indian provinces. In British govern Indian provinces. Yani kya? Jahan par Indian province hai, lekin wahan par rule kiska hai? British government ka. Theek hai? For the British govern Indian province. Province yani Pradesh, okay, and princely states means desh riyasat, apne desh mein rehne wale jo chote chote rajya hai, that means princely states, to form a federation, federation yane sangha rajya, according to this act, this act ke anusar, see once again the first sentence, this act of 1935, this act made a provision, is act mein aisi provision ki gayi thi, for the British govern Indian provinces, जो जहां पर ब्रिटिश लोग अपने देश में ही जहां जहां पर राज्य कर रहे थे और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उन्होंने क्या फॉर्म करना है फेडरेशन फॉर्म करना है संघ राज्य प्रस्थापित करना है ठीक है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट और इस एक्ट के अनुसार द वर्किंग ऑफ ब्रिटिश गवर्न प्रोविंसेस विल बी हैंडेड ओवर टू द इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स और इस एक्ट के अनुसार जहां जहां पर भी ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज्य है जिस जिस प्रदेश में ब्रिटिश गवर्नमेंट राज्य कर रहे हैं रूलिंग है वहां पर वो प्रदेश वो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स को हैंडओवर करेंगे यानी सौंप देंगे और मतलब वहां पर ब्रिटिश लोगों का राज्य उस प्रदेश में नहीं रहेगा ठीक है इफ द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द फेडरेशन अगर ये फेडरेशन अगर प्रिंसली स्टेट ज्वाइन करते हैं देन दे वुड लूज देयर ऑटोनॉमी तो फिर वो प्रिंसली स्टेट अपनी स्वायत्त जो है वो ऑटोनॉमी जो है वो खो देंगे यानी प्रिंसली स्टेट अगर ये एक्सेप्ट करते हैं ये रूल तो उनका जो स्वतंत्रता उनकी जो उनका जो फ्रीडम है वो चला जाएगा ठीक है हेंस दे रिफ्यूज टू ज्वाइन और इसलिए प्रिंसली स्टेट जो थे वो इसको अमान्य कर रहे थे दे रिफ्यूज दे डिनाय टू ज्वाइन द फेडरेशन देयरफॉर द प्रपोजल ऑफ फेडरल स्टेट इन द एक्ट वॉज नॉट ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस और इसका नतीजा क्या हुआ द कॉन्सिक्वेंस इज दैट द प्रपोजल ऑफ फेडरल स्टेट ये जो फेडरल स्टेट का जो प्रपोजल आया था वो इन द एक्ट वॉज नॉट ब्रॉट इन टू प्रैक्टिस वो उस पर अमल नहीं किया गया ओके नाउ प्रोविंशियल कैबिनेट्स प्रोविंशियल यानी प्रांतीय और कैबिनेट यानी क्या कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल ओके द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्ट ऑफ 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था वो 1935 में वो ये जो हमने अभी एक्ट के बारे में पढ़ा उससे लेके डिससेटिस्फाइड था अनसेटिस्फाइड था बट स्टिल डिसाइडेड टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर प्रोवाइडेड बाय द एक्ट लेकिन फिर भी उन्होंने व्हाट दे डिसाइडेड दैट टू टेक पार्ट इन द इलेक्शन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेचर यानी प्रांतीय विधायिका में वो क्या लेंगे पार्टिसिपेट करेंगे सहभाग लेंगे provided by the act in 1937 election were held in 11 provinces in the country 1937 mein elections hue aur apna jo desh tha usme jo 11 pranton mein elections hue among these indian national congress gained majority over 8 provinces usme se 11 mein se 8 pradeshon mein
इंडियन नेशनल कांग्रेस मेजोरिटी से चुन के आई एंड केम टू पावर सत्ता में आई. इन इन अदर थ्री प्रोविंसेस नन ऑफ द पार्टी कुड अचीव मेजोरिटी. लेकिन बाकी जो थ्री प्रदेश थे जहां पर इलेक्शन हुए थे वहां पर कोई भी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बहुमत यानी कोई भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला. ठीक है. एंड देयरफॉर मिक्स कैबिनेट वॉज फॉर्म. और इसीलिए वहां पर मिक्स कैबिनेट यानी दो तीन पार्टी मिला के वहां पर मंत्रिमंडल स्थापित हुआ. द कैबिनेट मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड यूजफुल वर्क फॉर द पीपल सच एज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम जेल, इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एजुकेशन, प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर, मेजर्स अंडरटेकन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द दलित्स, पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेट रिलीफ टू द फार्मर्स एक्सेट्रा. और फिर देखो यहाँ पे ये जो कैबिनेट मिनिस्टर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने दे डिड वेरी यूजफुल वर्क फॉर द पीपल. कौन से यूजफुल वर्क किए उन्होंने? सच एज रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स फ्रॉम जेल. पॉलिटिक्स की वजह से जो लोग प्रिजनर थे यानी जो लोग जेल में थे बंद थे उनको उन्होंने रिहा करवाया. ठीक है. इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एजुकेशन यानी हर एक को शिक्षा का अधिकार है, बेसिक एजुकेशन मिलना ही चाहिए, इसके ऊपर उन्होंने जोर दिया और वो अभियान चलाया इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक एजुकेशन. देन प्रोहिबिशन ऑफ लिक्वर अल्कोहल का विरोध यानी दारूबंदी इन शॉर्ट. एंड मेजर्स अंडरटेकन टू इम्प्रूव कंडीशन ऑफ द दलित. और उन्होंने कुछ ऐसे कदम उठाए ताकि दलित लोगों की जो सिचुएशन थी देश में जो कंडीशन थी वो उसमें सुधार आ जाए. दे वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दलित. ओके. पासिंग ऑफ एक्ट गिविंग डेट रिलीफ टू द फार्मर्स. और उन्होंने फार्मर्स के लिए भी एक ऐसा एक्ट पास किया जिसमें उनके जो डेप यानी ऋण कर्ज जो कर्ज था उनके ऊपर किसानों के ऊपर वो उसमें उनको क्या मिलेगा? रिलीफ मिलेगा यानी वो जो डेप था वो तो कम हो जाएगा या फिर उस पर उनको इंटरेस्ट नहीं भरना पड़ेगा या फिर किसी के कोई कोई लोगों का कोई कोई किसानों का कर्जा जो था वो पूरी तरह से माफ हो जाएगा. ऐसे वेलफेयर और वेलबींग ऑफ द पीपल उन्होंने काम किया. इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दे वर्क फॉर द वेलबींग ऑफ द पीपल. ओके. नाउ क्रिप्स मिशन. ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वार के दौरान इंग्लैंड सपोर्टेड अमेरिका अगेंस्ट जापान. इंग्लैंड ने सपोर्ट किया किसे? अमेरिका को. अब किसके विरुद्ध में? जापान के विरुद्ध में. द जापानीज आर्मी रीच द ईस्टर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया. जापानीज आर्मी कहाँ तक आ पहुंची? इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे. द ब्रिटिश रियलाइज दैट इफ जापान अटैक्स इंडिया देन दे विल नीड कोऑपरेशन फ्रॉम द इंडियंस. और ब्रिटिशर्स को ये बात पता थी कि अगर ये इंडिया के ऊपर अगर हमला करते हैं तो फिर इंडियन लोगों की जरूरत मदद की जरूरत उनको पड़ेगी. ठीक है. हेंस द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल सेंट सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया. इसलिए ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे अंडरलाइन दिस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल. ओके. उन्होंने किसे भेजा इंडिया में? सेंट सर स्टैटफोर्ड क्रिप्स टू इंडिया. ओके. In March 1942, he put up a proposal of India in front of the Indians. उन्होंने when he came to India, he put up a proposal before the Indians. Okay, but none of the political party was satisfied with this proposal. और उन्होंने जो proposal रखा, proposal यानी प्रस्ताव रखा, उसमें एक भी political party उसमें satisfied नहीं थी. The Indian National Congress rejected the proposal since there was no clear mention of complete independence. और Indian National Congress ने Congress denied the proposal because they found that there was no clear mention of complete independence. यानी पूरा स्वातंत्र जो हमें चाहिए था वो पूरा स्वातंत्र के बारे में वहां पर कुछ भी नहीं लिखा था. सिंस देयर वाज नो मेंशन ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. और उसमें पाकिस्तान के क्रिएशन के बारे में भी कुछ भी नहीं लिखा था. द मुस्लिम लीग आल्सो रिजेक्टेड द क्रिप्स मिशन. और इसीलिए मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने भी उसको डिनाई किया, रिजेक्ट किया, नकार दिया. ठीक है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस. द सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिगैन इन यूरोप इन 1939. सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ यूरोप में? 1939 में. ठीक है. यूरोप में 1939 में.
और तब जो वॉइस रॉय थे कौन थे, वो लॉर्ड लिनलिथगो डिक्लेयर्ड, यानी उन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया दैट इंडिया हैज जॉइन द वार। इंडिया क्या करेगा, वार में ज्वाइन करेगा, किसके साइड में, ब्रिटिश के साइड में। इंग्लैंड क्लेम दैट, इंग्लैंड ने क्लेम किया दैट इट इज फाइटिंग टू सेव डेमोक्रेसी इन यूरोप। The Indian National Congress demanded that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. और फिर क्या हो गया, देखो Indian National Congress ने demand की, ये जो claim है किया है, अगर ये claim जो है, कौन सा claim, fighting to save democracy in Europe, ये जो claim किया है that if the claim was true, then England should immediately grant freedom to India. तो फिर England को, India को तुरंत क्या देना पड़ेगा, फ्रीडम, आजादी देनी पड़ेगी। इंग्लैंड रिफ्यूज टू फुलफिल दिस डिमांड। इंग्लैंड ने ये जो डिमांड सामने रखी थी, पुट फोर्थ की थी, कंप्लीट फ्रीडम की, उन्होंने वो रिफ्यूज कर दी, उसको कंप्लीट करने के लिए नकार दे दिया। एंड देयरफॉर द प्रोविंशियल मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजाइन इन नवंबर 1939। और फिर इसीलिए जो प्रोविंशियल मिनिस्टर थे इंडिया के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। ओके, कब, इन नवंबर 1939। नाउ क्विट इंडिया मूवमेंट। After the Cripps mission, the Indian National Congress decided to start an intense movement for attaining independence. Cripps mission के बाद में the Indian National Congress decided to start, उन्होंने क्या तय किया, decided to start an intense movement, उन्होंने तीव्र आंदोलन करने का इशारा दिया, किसके लिए, for attaining independence, इंडिपेंडेंस मिलाने के लिए। The working committee of the Congress passed a resolution. जो working committee थी Congress की, उन्होंने एक resolution pass किया, कब, on 14 July 1942 at Wardha. कहाँ पर, वर्धा में। The resolution demanded that the British rule in India be ended immediately. वो क्या था, कौन सा ये था, कि ब्रिटिश रूल जो था इंडिया में, वो तुरंत क्या होना चाहिए, उसका एंड होना चाहिए। ओके, एंड इंडिया शुड बी गिवन इंडिपेंडेंस, और इंडिया को क्या मिलना चाहिए, स्वातंत्र मिलना चाहिए। ठीक है, इफ दिस डिमांड वाज नॉट फुलफिल्ड, देन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। और अगर ये डिमांड नहीं फुलफिल होती है, इफ दे फेल टू फुलफिल द डिमांड ऑफ बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस वांट टू स्टार्ट अ नॉन वायलेंट मूवमेंट फॉर फ्रीडम ऑफ इंडिया। और इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या करेगी, नॉन वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट करेगी, किसके, इंडिया में, किस, क्यों, फॉर द फ्रीडम। नाउ क्विट इंडिया रिजोल्यूशन, भारत छोड़ो का जो जो ठहराव है वो कैसे पारित किया गया। ऑन 7th August 1942 द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज हेल्ड एट गोवलिया टैंक, क्रांति मैदान इन मुंबई। 7th August 1942 में द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन यानी अधिवेशन हुआ, कहाँ पर हुआ, गोवलिया टैंक में हुआ, जो कहाँ पर है, क्रांति मैदान में है, कहाँ पर है वो, सिचुएटेड मुंबई में है। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, और इस सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे, अधिवेशन के प्रेसिडेंट मौलाना अबुल कलाम आजाद। द ब्रिटिश शुड लीव इंडिया, दिस रिजोल्यूशन पास बाय कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वर्धा वॉज टू बी फाइनली अप्रूव्ड इन द मुंबई सेशन। और ब्रिटिशर्स ने इंडिया, ब्रिटिशर्स मस्ट लीव इंडिया, ये रिजोल्यूशन पास किया गया किस, बाय कांग्रेस वर्किंग कमिटी एट वर्धा। ओके, On 8 August, the resolution of Quit India put forth by Jawaharlal Nehru got passed with great majority. और बाद में 8 August को ये जो resolution था Quit India, वो जवाहरलाल नेहरू के सामने रखा गया और उसको पारित किया गया बड़े मेजोरिटी से। इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टार्ट अ नेशन वाइड नॉन वायलेंट एजिटेशन अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। और फिर ये तय किया गया कि महात्मा गांधी के लीडरशिप में ये नॉन वायलेंस यानी अहिंसावादी तत्वों के अनुसार ये क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया जाएगा। ठीक है,
Gandhiji said, every one of you should from this moment onwards consider yourself a free man or woman and behave like a citizen of free India. We shall either free India or die in the attempt. Aur Gandhi ji ne elan kiya, Gandhi ji ne bataya kya kaha Gandhi ji ne. Gandhiji said, every one of you should from this moment onwards consider yourself a free man. Yani abhi isi kshan se sabhi ne apne ko kya samajhna chahiye, फ्री समझना चाहिए, वेदर यू आर मेन और वुमेन, ठीक है, और बिहेव लाइक अ सिटीजन ऑफ इंडिया. और आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, बिहेव लाइक अ सिटीजन ऑफ फ्री इंडिया. वी शैल आइदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट. और इस तरह से एक तो हमें आजादी मिलेगी या फिर हम शहीद हो जाएंगे. Gandhi ji made an inspirational appeal to the public to be ready to sacrifice with the feeling of do or die. Aur Gandhi ji appeal, inspirational appeal, motivational appeal, encouraging appeal to the people to be ready to sacrifice their lives for their nation, for their country with the feeling of do or die, yani karo ya maro. Beginning of people's movement. The news of arrest of important leaders of Indian National Congress spread out all over the country. फिर बाद में क्या हो गया, जो important leaders थे उनको अटक हो गई, ठीक है. The news of arrest, उनको arrest किया गया, of important leaders of Indian National Congress spread means spread out means open out all over the country. The angry mob means लोग जो लोग थे वो. द एंग्री मॉब टूक आउट प्रोसेशन, प्रोसेशन मीन्स डेमोन्स्ट्रेशन, दे शो दे गिव डेमोन्स्ट्रेशन एट वेरियस प्लेसेस. इवन दो पुलिस लाठी चार्ज एंड ओपन फायरिंग ऑन द पब्लिक, पुलिस ने लाठी चार्ज किया और लोगों के ऊपर ओपन फायरिंग भी की, ठीक है. द पब्लिक बट स्टिल पीपल वे आर नॉट अफ्रेड, लेकिन फिर भी लोग डरे नहीं. हाँ, द एजिटेटर्स अटैक सम प्लेसेस, एजिटेटर्स जो थे यानी जो क्रांतिकारी थे उन्होंने किस पर अटैक किया, सम प्लेसेस जेल्स, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन एक्सेट्रा विच सिंबलाइज द सप्रेसिव पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. सप्रेसिव मीन्स ऑप्रेसिव, एक्सप्लॉयटेड पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, ओके. दे ट्राइड टू टेक कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसेस, लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसेस में भी बागडोर संभालने की कोशिश की, अपने हाथ में लेने की कोशिश की. इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल्ड विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेसेस लाइक चिमूर, आष्टी, यावली, महाड, गारगोटी एक्सेट्रा एंड मेड द स्ट्रगल इमॉर्टल. और यानी इन महाराष्ट्र ईच एंड एवरी प्लेस, हर जगह पे अपराइजिंग यानी रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट किया गया, ओके. इन महाराष्ट्र द यंग एंड ओल्ड स्ट्रगल विद डिटर्मिनेशन एंड बाउंडलेस करेज. डिटर्मिनेशन कौन सा था, फ्रीडम, ओके, फ्रीडम फ्रॉम द शेकल्स ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड बाउंडलेस करेज एट प्लेस लाइक, यानी हर छोटी मोटी जगह मूवमेंट चलाया गया, जैसे चिमूर, आष्टी, यावली, महाट, गारगोटी, ओके. नाउ सी लेट अस नो, देखो, इंडिविजुअल सत्याग्रह. The British government was constantly neglecting. Neglecting means what? Neglecting means disregard or you may say contempt. यानी वो दुर्लक्ष कर रही थी. Neglecting यानी क्या, दुर्लक्ष करना. The British government was constantly neglecting the demands. कौन सी demands neglecting, अनदेखी कर रही थी, freedom की, ठीक है. Hence the Indian National Congress decided to start anti-war propaganda. इसलिए Indian National Congress ने किस बात का प्रचार किया, प्रोपोगंडा ने प्रचार करना एंटी वार, ओके. फॉर दिस इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ अ कलेक्टिव मूवमेंट एवरी सिंगल पर्सन शुड डिसओबे द लॉ. और इसलिए उन्होंने ये तय किया कि कलेक्टिव मूवमेंट यानी सब लोगों ने मिलके ही मूवमेंट आंदोलन किया जाए, ऐसी बात नहीं, हर एक व्यक्ति इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है. और ब्रिटिशर्स ने जो लॉज बनाए हैं वो ब्रेक करेंगे. Should disobey the laws. This was known as individual satyagraha. इसी का नाम क्या है, individual. यानी देश का हर एक बच्चा, नौजवान, बूढ़े सब इस इंडिपेंडेंस के स्ट्रगल में शामिल होंगे और वो जो भी लॉज ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं, एक्सप्लॉयटेड लॉज, उसको ब्रेक करेंगे. आचार्य विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह. ही वॉज फॉलोड बाय नियरली 25,000 सत्याग्रहीज हु एक्सेप्टेड इम्प्रिजनमेंट फॉर देयर पार्टिसिपेशन. फिर ब्रिटिशर्स ने जेल भरो आंदोलन स्टार्ट किया और उन्होंने
बहुत सारे लोगों को इम्प्रिजनमेंट मीन्स जेल में डाला. ओके नाउ हियर सी हियर डू यू नो इंस्पिरेशनल अकाउंट्स ऑफ ब्रेव चिल्ड्रन. द स्कूल स्टूडेंट्स ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड. कॉन्ट्रीब्यूटेड मीन्स दे गेव देयर कॉन्ट्रीब्यूशन और दे प्ले मेजर रोल इन द फ्रीडम ऑफ इन द फ्रीडम मूवमेंट. At Nandurbar, the school children under the leadership of Shirish Kumar carried out procession holding the tricolor flag. School के बच्चों ने नंदुरबार में हाथ में तिरंगा लेके एक procession यानी मोर्चा निकाला march. Okay, the slogan of Vande Mataram was given. और वो जो मोर्चा निकला जो procession निकला मुड़ावड़ निकली वो क्या कर रहे थे नारा दिल लगा रहे थे. कौन से स्लोगन बोल रहे थे वो वंदे मातरम. ओके द पुलिस बिकेम फ्यूरियस एंड ओपन फायरिंग ऑन स्मॉल चिल्ड्रन एज वेल. पुलिस ब्रिटिशर्स ने कुछ नहीं सोचा डायरेक्टली उन्होंने ऊपर फायरिंग कर दी छोटे बच्चों के ऊपर. एंड इन दिस फायरिंग शिरीष कुमार लालदास धनुष्कल शशिधर एंड घनश्याम दी स्कूल चिल्ड्रेन बिकेम मार्टियम. और ये जो बच्चे हैं इनको ये हुतात्मा हो गए यानी इनको वीर गति को वो प्राप्त हो गए इसके लिए अपने देश के लिए है ना. वी सैल्यूट देम राइट. नाउ हियर वी स्टॉप टुडे. ओके आवर पीरियड इज ओवर नाउ एंड इन द नेक्स्ट पीरियड वी विल लर्न अबाउट टुमारो वी विल लर्न अबाउट अंडरग्राउंड मूवमेंट एंड establishment of parallel government, importance of Quit India Movement, Indian National Army and permission of the Indian National Army. Okay, but your homework is that read lesson carefully, underline hard words, find out meaning and note down in your copy. Okay, here we stop today. Bye bye, take care.